सुप्रभात बच्चों, आज हम हमारा हिंदी का पाठ जो कि छठे नंबर का पाठ है, श्री कृष्ण सुदामा, इसके हम क्या करेंगे, शब्द परिचय कराएंगे पहले। ओके, इसका हम क्या करेंगे, शब्द परिचय। क्या करेंगे? शब्द परिचय। तो लेसन का नाम क्या है हमारे, श्री कृष्ण सुदामा। इस लेसन में जो कठिनाई लाने वाले जो शब्द है वो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला शब्द है निर्धन। क्या है पहला शब्द? निर्धन। ये है हमारा पहला शब्द। इसके बाद है ब्राह्मण। तीसरा हमारा शब्द है वो है पत्नी। इसके बाद जो हमारा शब्द है वो है दुखी। उसके बाद आएगा काटा। उसके बाद शांतिपूर्वक। उसके बाद है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। ओके, उसके बाद आएगा द्वारिका। उसके बाद आएगा अगला जो हमारा शब्द है वो है अवश्य। नेक्स्ट वर्ड इज मुट्ठी। Next word is Dwarka. Agla shabd आंसू।
next word is swar. अगला हमारा शब्द है वो है गा. उसके बाद अगला हमारा ये शब्द है जहां. नेक्स्ट वर्ड इज आश्चर्यचकित. नेक्स्ट वर्ड इज वस्त्राभूषण. अगला हमारा शब्द है स्वामी. तो ये बच्चों ये क्या हो गए इस लेसन में से जो लिखते वक्त कठिनाई लाने वाले जो शब्द हैं वो हमने क्या कर दिए पहले लिख लिए. तो इसे एक बार हम क्या करेंगे पढ़ेंगे. ठीक है चलिए पढ़ते हैं. निर्धन, ब्राह्मण, पत्नी, दुखी, आटा, शांतिपूर्वक, श्री कृष्ण, द्वारिका, अवश्य, मुट्ठी, मांग, पहुंचे, द्वारपाल, आंखें, आंसू, वस्त्र, स्वार, गांव, जहां, आश्चर्यचकित, वस्त्राभूषण, स्वामी और अंतिम शब्द है बाण. तो बच्चों आपको क्या करना है ये जो शब्द है वो आपको अंडरलाइन करके लेने हैं आप अपनी अपनी किताब में और इनको अच्छे से याद रखना है. इनको लिखते वक्त कभी भी आप अगर लिखेंगे तो इनको लिखते वक्त कभी भी आपको कोई इसके इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लिखते वक्त दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे ये तो हो गए हमारे शब्द. अभी हम क्या करेंगे लेसन ये जो लेसन है श्री कृष्ण सुदामा इसका हम क्या करेंगे इसमें क्या आशय दिया गया है इसमें क्या दिया गया है कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं तो इसमें हम क्या करेंगे अभी हम जानेंगे. तो ठीक है बच्चों अपनी अपनी की जो किताबें हैं उसमें ये वर्ड्स अंडरलाइन करके ले लीजिए और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करती हूँ एक एक पैराग्राफ का आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो करूँगी. ठीक है चलिए देखते हैं हमारा जो लेसन है वो श्री कृष्ण सुदामा. ओके सुदामा नाम के एक निर्धन ब्राह्मण थे. बेचारे एडी चोटी का पसीना एक करके परिवार के लिए एक जून का भोजन जुटा पाते थे. एक दिन सुदामा की पत्नी ने बहुत दुखी होकर कहा स्वामी देखिए ना हमारे दोनों हम दोनों का शरीर भूख की मार सहते सहते सूख कर काटा हो गया है ऐसा कब तक चलेगा. सुदामा ने शांतिपूर्वक कहा और उत्तर दिया देवी हमारे कठिन दिन चल रहे हैं इन्हें भोगने के सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है. देखिए ये सुदामा जो है वो है एक गरीब ब्राह्मण निर्धन निर्धन यानी कि शब्द देखेंगे
गरीब। तो ये जो सुदामा थे वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। ओके, ये समझ में आया। बेचारे एडी चोटी का पसीना एक करके परिवार के लिए एक जून का भोजन जुटा पाते थे। मतलब बहुत सारी मेहनत करके बस परिवार के लिए एक जून, जून मतलब एक बार का ही भोजन, एक समय का ही भोजन, जून यानी कि समय, एक जून, जून मतलब समय, एक समय का ही भोजन वो अपने परिवार के लिए जुटा पाते थे। तो क्या हो गया था, ये जो गरीब ब्राह्मण थे सुदामा करके, जो गरीब ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, बहुत निर्धन थे, मतलब बहुत ही गरीब थे, और उसकी वजह से क्या हो गया था, बहुत सारी मेहनत उन्हें करनी पड़ती थी, और वो मेहनत करने पर भी उनको बस एक ही समय का खाना अपने परिवार के लिए वो जुटा पाते थे, मतलब वो ला सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो सेंटेंस है वो। एक दिन सुदामा की पत्नी ने बहुत दुखी होकर कहा, स्वामी देखिए ना, हम दोनों का शरीर भूख के मार सहते सहते सूखकर काटा हो गया है, सूखकर काटा होना मतलब बहुत दुबला पतला होना, ये है वाक् प्रचार है, ये सूखकर काटा होना। श्री कृष्ण की बात मेरे साथ करते हो और वो
सत्य बात है, ऐसा किसने कहा? सुधामा ने कहा। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये सुधामा ने कहा, देवी तुम सत्य कहती हो तो फिर आप उनके पास इस कठिन घड़ी में मदद प्राप्त करने क्यों नहीं जाते? वे द्वारिका के राजा है, हमारी सहायता अवश्य करेंगे। पत्नी ने जोर देकर कहा। सुदामा ने सोचा कि द्वारिका जाने से सहायता भले मिले न मिले, परंतु मित्र से मिलना तो हो जाएगा और पत्नी की भी बात रह जाएगी, इसीलिए वे तैयार जाने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए पत्नी पड़ोसी 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। चावलों की पोटली लेकर श्री कृष्ण द्वारिका की ओर चल पड़े। पैदल चलते 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 हुए सुदामा द्वारिका पहुंचे। वह श्री कृष्ण के महल के नीचे आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने द्वारपाल से कहा, महाराज श्री कृष्ण से जाकर कहो कि सुदामा मिलने आया है। तो देखिए, ये जो गरीब ब्राह्मण सुदामा है, उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ बाबा, हमेशा आपकी जो परम मित्र श्री कृष्ण है उसकी बात करते हो, वो बहुत ही अमीर है, बहुत ही उनके पास पैसा है, वो राज्य के राजा है, तो ये हमारी जो कठिन अभी घड़ी चल रही है उसमें आपकी मदद कर ही देंगे। तो इस पर ये जो सुदामा ब्राह्मण था ना, वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, सच्चा और अच्छा ईमानदार, किसी की मदद नहीं लेने वाला ऐसा था, वो स्वाभिमानी था। इसीलिए उसने क्या सोचा है, कोई इतनी के कहने पर तो चलो उससे कोई मदद मिले या ना मिले, लेकिन अपने मित्र से मिलना तो हो जाएगा। इसकी वजह से वो क्या हो गया, वहाँ पर जाने के लिए, मतलब द्वारका जाने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद में उसे भेंट देने के लिए ये जो सुदामा की पत्नी थी, उसने क्या लिया, उनके पास कोई भी भेंट देने के, वो राजा है, श्री कृष्ण राजा है और उनकी उनको भेंट देने के लिए उनके पास कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई भेंट वस्तु नहीं थी। उसने इसके लिए क्या किया, वो बाजू के घर में, अपने पड़ोस के घर में गई और वहाँ से 4 मुट्ठी जो चावल के दाने हैं उसकी वो लाई और वो पोटली में बांधकर सुदामा के पास दी है और उन्हें वहाँ से रुखसत कर दिया, वहाँ से जाने के लिए कहा। और ये चावल की पोटली लेकर वो जो सुदामा है वो द्वारका की और चल पड़े। और वहाँ पर वो पैदल चलते चलते वो वहाँ द्वारका राज्य में पहुँच गए। और उसने उस राजमहल था या जो द्वारिका ये नगर है वहाँ पर गया वो, और वहाँ उसे द्वारपाल खड़ा दिखाई दिया। और द्वारपाल से उसने क्या कहा कि जाओ महाराज श्री कृष्ण से कहो कि सुदामा मिलने आया है। ये ऐसा किसने किससे कहा, देखिए, महाराज श्री कृष्ण से जाकर कहो कि सुदामा मिलने आया है। ये किसने किससे कहा, सुदामा ने द्वारपाल से कहा। किसने किससे कहा, सुदामा ने द्वारपाल से कहा। ओके, ये समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा पैरा है वो, श्री कृष्ण को जैसे ही समाचार मिला हुए दौड़ते दौड़ते आए और मित्र को गले से लगा लिया। मित्र की दीनहीन दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे मित्र को महल में ले आए, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, फिर उन्होंने विश्राम कक्ष में विश्राम किया। विश्राम करने के बाद दोनों मित्र बातें करने लगे। बीच में श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र यह तो बताओ कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। ओके, तो जो ये सुदामा ने कहा कि द्वारपाल से कहा कि जाओ महाराज श्री कृष्ण से कहो कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। तो ये बात जो द्वारपाल था उसने महाराज श्री कृष्ण तक पहुँचाई है। और ये बात सुनते ही ये जो श्री कृष्ण है वो दौड़ते दौड़ते उनको मिलने के लिए आया और उनको गले से लगा दिया। और उनकी जो दशा थी, ये निर्धन थे, उनके पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे, कोई भी अलंकार उनके शरीर पर नहीं था, कोई भी अच्छा सा वस्त्र नहीं था। तो इनकी ही दीन आशा ये दशा देखकर उनकी आंखों से, मतलब किसकी आंखों से, श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए।
उन्होंने क्या कर दिया, अपने मित्र को अच्छे महल में ले गए और अच्छे से स्नान कराया, उनको नए वस्त्र पहनने के लिए दिए, भोजन अच्छा कराया और विश्राम कक्ष में उन्हें विश्राम करने के लिए भेजा। उसके बाद जब सुदामा ने विश्राम करके वो मित्र, दोनों जो मित्र हैं वो बात करने लगे, तो बीच में ही श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र यह बताओ कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, देखिए ये आ सकता है आपको किसने किससे कहा इसके लिए, तो यह बताओ कि भाभी ने मेरे लिए कहा क्या भेजा है, ये बात किसने किससे कही, ये बात श्री कृष्ण ने सुदामा से कही है। ओके, उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। सुदामा को चावल की पोटली देने में बड़ा संकोच हो रहा था, श्री कृष्ण तो उसे लेकर ही माने, चावलों की फंकी लगाकर बोले, मित्र भाभी ने चावलों में तो बड़ा, भाभी के चावलों में तो बड़ा स्वाद है, ऐसा कहते हुए कच्चे चावल चबाने लगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है मित्र प्रेम का। जो सुदामा था वो बहुत ही गरीब था, उसने क्या लाया था उनके लिए, चावल के दाने लाए थे। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने जब उनको पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, तो ये जो चावल के दाने हैं वो सुदामा को उनको देने के लिए बहुत ही संकोच हो रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, ये तो इतने बड़े महल का राजा है, इतने बड़े राज्य का राजा है और ये चार रोटी चावल में इतनी कैसे दूँ, वो भी भेंट के रूप में, तो इसीलिए उनको क्या हो रहा था, संकोच हो रहा था, तो इसकी वजह से वो नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ बाद में, श्री कृष्ण ने उनको उनसे वो चावल लिए और उन्होंने एक उसमें से निवाला उठाया खाया और उन्होंने क्या कहा, भाभी के चावलों में तो बड़ा स्वाद है, और वो कच्चा ही चावल चबाने लगे। ओके, उसके बाद क्या होता है देखिए, द्वारका में रहते हुए सुदामा को कई दिन बीत गए, वे मित्र श्री कृष्ण से विदा मांगते परंतु वे उन्हें रोक लेते। अंत में एक दिन रथ में बैठक कर श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया, चलते समय सुदामा ने ना कुछ मांगा और ना श्री कृष्ण ने कुछ दिया, वे खाली हाथ लौटे। सुदामा अपने गांव पहुंचे, देखा कि जहां उनकी झोपड़ी थी वहां तो महल खड़ा है, यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इतने में उनकी पत्नी सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई, उन्होंने उनकी आरती उतारी और बोली, स्वामी अपने महल में पधारिए। ओके, तो क्या हुआ देखिए, जब भी जाने का समय निकट आता है, ये जो सुदामा है श्री कृष्ण से मिलने गए थे, उनके पास बहुत दिन रहकर क्या हो गया, वो जाने के लिए विदा मांगते, तो क्या हो जाता है, श्री कृष्ण किसी बहाने से उन्हें रोक लेते। तो ये तो मित्र प्रेम था, वो उनकी बात को मना भी नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने वो रोक ले। एक दिन क्या हुआ, जो ये जाने की बात कर रहे सब देख कर श्री कृष्ण ने क्या किया, उनको एक रथ में बैठा दिया और उनसे विदा ले लिया। और जाते वक्त ये आए थे किस लिए, उनकी पत्नी ने क्यों भेजा था, क्योंकि वो बहुत बुरे उनके दिन चल रहे थे, कठिन समय चल रहा था, इसकी वजह से कुछ उनको मदद की अपेक्षा, मतलब किसको अपेक्षा थी, उनकी पत्नी को, मतलब सुदामा की पत्नी को अपेक्षा थी, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर आए थे। लेकिन सुदामा के मन में कोई भी उसकी लालसा बिल्कुल भी नहीं थी या उसकी मदद की अपेक्षा उनको नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, बहुत दिन बीत गए और वो जाने के लिए जब यहाँ पर अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गए, तो श्री कृष्ण ने ना कुछ उन्हें दिया और सुदामा में उन्हें कुछ भी नहीं मांगा। ओके, तो उसके बाद वो जैसे तैसे करके अपने गांव में पहुंच गए, रथ में बैठकर अपने गांव में पहुंच गए। तो गांव में आते ही देखते हैं कि जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी वहाँ पर बहुत ही अच्छा महल खड़ा था और उनके जो पत्नी और बच्चे थे वो बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्र, मतलब कपड़े पहनकर उनके सामने खड़े थे। उसके बाद उनकी पत्नी उनसे क्या कहती, स्वामी पधारिए, उसकी उनकी पत्नी ने क्या की, उनकी आरती उतारी और कहा कि पधारिए।
तो यहाँ पर इससे हमें क्या सीख मिलती है, देखिए पहले ये दो लाइन अच्छे से सुनिए। मित्र सब दुख दूर करता, सुखों से भरपूर करता, मित्र के दुख बांट लेता, मित्र को सुख बांट देता। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम आता है। तो देखिए ये श्री कृष्ण और सुदामा क्या थे, एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। और इनकी कहानी हमने आज पढ़ी है और यहाँ पर देखा है कि कैसे न कहते हुए, न मानते, न बोलते हुए, न बताते हुए सुदामा की मदद श्री कृष्ण ने किस प्रकार की, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं कोई अगर मुसीबत में हो तो सच्चे मन से और ना किसी अपेक्षा से उनकी मदद करना चाहिए। उनको उनसे कुछ अगर मिलेगा तो भी हम इसकी मदद करें। ऐसा आपको बिहेवियर आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं करना चाहिए, आपको उनसे ऐसे ही मिलजुल कर जैसे श्री कृष्ण सुदामा थे उनसे, उनके जैसी मित्रता थे वैसी ही मित्रता आपके फ्रेंड्स और आप में होगी चाहिए। तो समझिए बच्चे, और इस लेसन से शिक्षा क्या मिलती है, जो मुसीबत के समय जो आपकी मदद करता है वही आपका सच्चा मित्र, सच्चा साथी।